अब मौसम करवट ले रहा है। दिन में धूप तो रात में घरों से बाहर रहने पर गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। इस बदलते मौसम में सावधानियां नहीं बरते जाने पर लोग सर्दी, खांसी, नज़ला और बुखार, बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़े हैं और जो सांस रोग से ग्रसित मरीज हैं, इन मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचने के लिए सुबह शाम मफलर, स्वेटर और गर्म कपड़े का प्रयोग करें तथा ठंड से बचाव करते हुए घर से बाहर निकलें और इस मौसम में फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तथा कोई भी ठंडी खाने वाले सामान का बिल्कुल ही सेवन ना करें। ताजा स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें तथा गर्म पानी पिएं। अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या आती है तो अपने नजदीकी डॉक्टर या जिला अस्पताल के डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। उन्होंने कहा कि पहले मरीजों की संख्या को देखते हुए इस मौसम में 10% मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, पिछले एक हफ्ते से सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और पूर्व से जो सांस रोग से ग्रसित हुआ करते थे उन वो भी मरीज अब आ रहे हैं कि उनको सर्दी, खांसी और सांस फूलने की तकलीफ बढ़ गई है, तो इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है इधर। ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? हाँ, पहले इस तरह के मरीज थोड़ा कम थे लेकिन इधर ज़्यादा आ रहे हैं। क्या उपाय इससे बचने के लिए? इससे उपाय यही है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ठंड से बचें। सुबह शाम काफ़ी ठंड पड़ रही है तो स्वेटर और मफलर, जैकेट आदि का प्रयोग करें और बाहर जब भी निकलें तो अपने आप को ठंड का बचाव करते हुए निकलें। खाने पीने में है कि ठंडे पानी का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह न लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें और ताज़ा स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें और जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो उसके लिए बाकी जो रेगुलर जो शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब के मरीज आया करते थे, सर दर्द के आते तो आते ही हैं, लेकिन सीजनल वेरिएशन की वजह से जो सर्दी, जुकाम के मरीज हैं वो तो उनकी तादाद कुछ बढ़ी है। प्रतिदिन कितने मरीज आ जाते हैं सर? समझिए कि सामान्यतः 10% का इजाफा हो गया है। जितने भी मरीज पहले आते थे उसमें 10% का इजाफा मान सकते हैं।